सीन कुछ यूं है कि भाई आज क्या क्या चीजें हम खाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, वो भी इस व्लॉग में दिखाने वाले हैं। गाइस कपड़ों को गौर नहीं करिएगा, हम सबकी फेवरेट है कड़ी। और क्या मसला है भाई, क्या मसला है आपको व्लॉग में आने का, गुजारी शौक नहीं है? ये हमारा सालन तैयार हो रहा, ठीक है, ये बिल्कुल साफ कर दिया, चमका दिया, उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। जो है ना, हम ऐसा चैलेंज लेने वाले हैं कि जो जो हम दिन में करने वाले हैं, जो जो दिन में खाने वाले हैं, वो आपको सब दिखाने वाले हैं। और क्या क्या चीजें हम खाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, वो भी इस व्लॉग में दिखाने वाले हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो भाई स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। पहले हो गई हमारी गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग के लिए हमें नाश्ता करना जरूरी है। तो नाश्ते में देखते हैं किचन में क्या है और क्या नहीं, ठीक है? चलिए जी, हम किचन में चलते हैं। किचन की कुछ ये हालात है आज, सिचुएशन देख लो। ओ माय गॉड, ये तो मम्मा ने अंडे 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 रख के भूल गई, अंडे 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 रख के भूल गई है। मम्मा को बोला अंडे रख के भूल गई आप। तो मम्मा के पास चलते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या है नाश्ते में। मम्मी नाश्ता, मम्मा नाश्ते में क्या है, नाश्ते में क्या है मामा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाय बना दो। अच्छा चलो जी, मम्मा का कहना है कि भाई नाश्ते में कुछ नहीं है, तो भाई देखते हैं हमारे नाश्ते में क्या सीन्स हैं और हम क्या खाने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं नाश्ते का। ओके मदरसे से आई हो, मदरसे से सलाम करते आते ही। वालेकुम अस्सलाम। तो जी अभी जो है ना, हम लोग नाश्ते के सीन्स बनाते हैं कि भाई नाश्ते में ढूंढते हैं और बनाते हैं कि क्या खाना है, और फिर आपसे मिलते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं और फिर दिखाते हैं कि हम नाश्ते में क्या खा रहे हैं। सबके लिए हमारे घर में गेट बंद हो सकता है। तो अभी जो है ना, मैं जा रही हूँ नाश्ते के सीन्स बनाती हूँ, देखती हूँ नाश्ते में क्या है क्या नहीं, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। और क्या मसला है भाई, क्या मसला है आपको व्लॉग में आने का, गुजारी शौक नहीं है? तो मुझे भूख लगी है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर रात के खाने की तैयारी करेंगे, ठीक है? तो पहले नाश्ता, फिर बाद में कोई और काम। तो भाई मैं जा रही थी नाश्ता करने और गेट पर भी दस्तक टक टक करके, तो मेरे लिए नाश्ता लेकर आए थे। देखो जरा क्या आया, कड़ी, और मम्मा ने मेरे को पराठे दिए सुबह के, जो लोगों दिए थे। तो चलिए जी कड़ी को टेस्ट करते हैं। हमारे यही होता है कि मतलब जो भी घर में कोई भी चीज़ बनाता है ना, तो हम लोगों के लाजमी देखा जाता है, समझ रहे हो बात को, क्योंकि हम भी भिजवाते हैं ना, पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखेंगे तो कौन किसका रखेगा। तो भाई हम लोग ट्राई करने वाले हैं ये कड़ी। गैस कपड़ों को गौर नहीं करिएगा, हम सबकी फेवरेट है कड़ी। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन बना के देता है तुम्हारे कड़ी? नानी। नानी के हाथ की हमारी सबसे फेवरेट होती थी, हम लोग नानी के हाथ की खाते थे। अब ये लोग गली के हाथ में खाने पड़ते, क्योंकि नानी बनाती नहीं है। वल्ला टेस्टिंग। चलो जी जल्दी नाश्ता कर लेते, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में कोई काम दूजा। सो भाई हमारा जो नाश्ता सास्ता ना हो चुका था, और हमने नाश्ता ही ऐसे टाइम किया था कि भाई दिन के खाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब जो है ना, डायरेक्ट हम बनाने वाले हैं रात का खाना। तो भाई रात का खाने में जो हम बनाने वाले हैं, वो जी अचार गोश्त, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली। तो भाई आज के जो हमारे शेफ है ना, वो है मम्मा और पापा, और वो दोनों मिलके बनाने वाले खाना और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त, और अभी हमने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, और अब हम डाल रहे हैं टमाटर। कितने टमाटर हैं ये? ये हैं 6 टमाटर हैं बड़े वाले, उसके साथ हम अभी आधे डालेंगे, और आधे डालेंगे बाद में, ठीक है? ओके। ये देखें आधे हमने डाल दिया और आधे हमने बचा लिए। 6 टमाटर मतलब 3 डाल दिए, 3 रह गया, राइट? ओके। तो भाई आज जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारे घर में बन रहा है अचार गोश्त। तो मैं आपके साथ अचार गोश्त की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। कितने किलो मुर्गी है ये? ये है 1.5 किलो मुर्गी। 1.5 किलो मुर्गी में 6 टमाटर लेने हैं, 3 पहले डालने और 3 आपको स्टे करके रखना है, जब हम बोले तब डालने, समझ गए बात को। आसान रेसिपी, घर के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे, और मीन्स आप इतना खर्चा नहीं होगा, बजट फ्रेंडली है, आप आराम से घर में बैठ के बनाओ, खाओ पियो, बच्चों को खिलाओ, और चटखारेदार मज़ेदार स्पाइसी खाने एंजॉय करो अपने अपने घर में। अब मैं आपको इंशाल्लाह सारी रेसिपी शेयर करने वाली, जो जो बनने वाले हमारे घर में, ठीक है? हाँ जी, कितने लिया? 1.5
केजी ये जो ना चिकन है ठीक है, ये अगर हम बाजार से लेंगे तो ये हमें 1500-2000 रुपए की जो ना मिलती है वो भी हाफ के जी, तो ये हम घर में बनाएंगे 1.5 kg और माशाल्लाह ये दो टाइम भी चल जाएगा। चलो भाई बचत बाजार खुला हुआ हमने, बचत फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली दोनों है। चलो जी और ये अब हम ये हमने टमाटर डाल दिए थे ठीक है, अभी हम चिकन डाल रहे हैं ये देखें ठीक है ओके ठीक है, सारे चिकन हमने डाल दिए। चिकन को वॉश कर लेना है उसके बाद, पहले हमने वॉश करते हुए नहीं दिखाया, चिकन वॉश भी करनी है ठीक है ओके। तो भाई आज हमारे मास्टर शेफ हैं अकील सिद्दीकी, आसिया के किचन में मास्टर शेफ हैं आज अकील, हमारे पप्पा जी ये ला दिखाओ सफाई कर रहे हैं। ओ अच्छा, तो भाई हमें 20-20 रुपए, ये 20-20 रुपए की मिर्चें मिल रही थी, 20 रुपए की सारी मिली है, तो यू नो खर्चा बचाऊ औरत, खर्चा बचाऊ मर्द, 50 रुपए की 2 किलो। वाओ नाइस, हमारा जो बंगाली गेम है ना वो सबसे ज्यादा यू नो हाई फाई है, वहाँ आपको हर चीज लिमिटेड मिल जाएगी, मतलब लिमिटेड नहीं इतनी ज्यादा मिलेगी, इतनी ज्यादा और मिलेगी कम प्राइस में, कम प्राइस में नहीं, रात में जाए मगरिब के बाद तो वो सारे माल की लगाए होते हैं, ये 50 रुपए का ले लो, ये 100 रुपए का ले लो, सारा सारा सामान ले लो, तो रात में जाके ना हम ले लेते हैं। अब 5 किलो टमाटर ले लिए 300 रुपए के, 2 किलो मिर्ची ले ली 100 रुपए की, हम लोगों ने ले लिया कटोरी, उसके अंदर हमने डाले कितने चम्मच, ये हल्दी 1 चम्मच, ये 1 चम्मच है, 1 टेबल स्पून आपने लेना है हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा और 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें, या भी कुटी मिर्चें, सारे मसाले हम इसमें पहले डाल देते हैं फिर सालन में डालेंगे ठीक है। कलौंजी 1 चम्मच आपने लेनी है कलौंजी, और 1 टेबल 2 टेबल स्पून कम करो 1 टेबल स्पून आपने लेनी है, क्या होता है पिसी मिर्चें हो गई, और व्हाट इज दिस साबुत धनिया 1 चम्मच। तो भाई ये मसाले हमारा तैयार हो गए, ये डालेंगे हमारे चिकन के सालन में अचार गोश्त में। चलो जी ये सारे मिक्स करके डाल देंगे हम, ये हमारा सालन तैयार हो रहा ठीक है, ये बिल्कुल साफ कर दिया, चमका दिया, उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिलाना है पूरे सालन में, अच्छी तरीके से चिकन के अंदर लग जाए। भाई मेरे पन्ना फेंकना, पहले शेफ बने सालन उड़ा रहे भाई दूर रो इनसे, हाय अल्लाह। अब उसको स्टे करना है लो फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे, अम्मा आप बता दो हाई फ्लेम पे रखना इसको या लो फ्लेम पे, लो फ्लेम पे रख दो भाई इसको। चलो ओके okay. तो भाई यहाँ सालन शालन जो ना हमारा रेडी हो चुका है, बस अब इसके अंदर डाली रह गई ये हरी मिर्चे, क्योंकि अगर हरी मिर्चे ना डाले अचार गोश्त में तो मजा तो आता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है गाइस। तो भाई यहाँ हमारे अचार गोश्त में डल गई है मिर्चे फिर से, और आप लोग देख सकते हो क्या नाइस लुक है इसका ठीक है जी। तो भाई अभी जो है ना हमने इसको क्या करना है जी, दम देना है, दम देना है, कितने मिनट के लिए दम देना है, 5-6 मिनट के लिए दम दे दो उसको, और फिर हम जो है ना उसको चखेंगे, खाएंगे, पेट पूजा करेंगे और आपको इसका रिव्यू देने वाले हैं। तो भाई अब मिलते हैं आप लोगों को 10 तारीख पे। वाओ वाओ गाइस, ये चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है, तो अभी हम एक निवाला खा के दिखाते हैं, इसमें हरी मिर्च ना हो तो मजा ही नहीं है। ये आ गई हरी मिर्च और ये आ गया बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। आप भी ये रेसिपी तैयार बनाएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।